गिलास हो या फिर कुड़ी, जब तलब लगे तब मिलनी चाहिए, वो भी खास एक्सक्लूसिव। और हम इस मामले में सेट हैं बॉस। ना कभी मैखाना ढूंढने की जरूरत पड़ती है और ना ही गोरी का मकान। अपना एक ठिकाना यहाँ है तो एक ठिकाना वहाँ, और हम तो वाकई इंटरनेशनल हैं। इसकी तो कोई लोड ही नहीं है, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आप चाय पीजिए गर्मा गर्म, फिर निकलते हैं आराम से। जिंदगी अभी बाकी थी, कई अरमान अधूरे हैं मेरे, जो अब अधूरे ही रह जाएंगे। पहचानता है ना? हाँ जी सर जी, ये सुरेंद्र अरोड़ा जी हैं जी, ये प्रॉपर्टी डीलर हैं जी, लुधियाना में सब पहचानते हैं इनको। ये है ना अपना सदर नगर, वहीं पे इनका ऑफिस है। सर वॉलेट वगैरह तो कुछ नहीं मिला, सिर्फ ये मोबाइल मिला उसकी पॉकेट से। इस फोन में इनके घर वालों का या किसी रिश्तेदार का नंबर जरूर होगा, उन्हें कॉन्टेक्ट करो। सर ये टायर मार्क्स बिल्कुल फ्रेश हैं। प्रॉपर्टी डीलर, रिपीटेड स्टैबिंग, इरादा कत्ल का ही रहा होगा। पता करो ये प्रॉपर्टी किसकी है, इसी की है या किसी दोस्त या दुश्मन की, या फिर बॉडी को यहाँ लाकर डंप कर दिया गया। जी मैं भिला नगर पुलिस थाने से सब इंस्पेक्टर विकास मेहरा बोल रहा हूँ। सुरेंद्र अरोड़ा आपके रिश्तेदार हैं? जी मैं उसकी बीजी बोल रही हूँ, परमजीत कौर। की गल है इंस्पेक्टर जी? आप लुधियाना सिविल हॉस्पिटल पहुँच जाइए तुरंत। आपके बेटे की बॉडी मिली है जी। बॉडी? क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? पूरी बॉडी पर किसी नोकेली जिससे 12 बार वार हुए हैं। मौत कब हुई होगी? लगभग कुछ 15 से 16 घंटे पहले। मतलब 2 अप्रैल। दैट्स राइट। सुरेंद्र जी को कौन नहीं जानता था सर। सुबह मुझे फ़ोन आया था मेरे दोस्त का कि मेरी ज़मीन पर उनकी लाश मिली आपको। मेरे तो मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक गई सर। क्या वाकई में आपकी ज़मीन खिसक रही थी जी? ज़मीन को लेकर, उस प्लॉट को लेकर आप में और सुरेंद्र में कोई अनबन थी क्या? मेरी ज़मीन है सर, कोई अनबन नहीं। सुरेंद्र खुद उस ज़मीन को खरीदना चाहता था या किसी और पार्टी को दिखाना चाहता था? देखिए सर, सुरेंद्र जानता था कि वो ज़मीन मेरी है, अब ले गया होगा किसी को दिखाने के लिए, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं कि किसे लेके जा रहा है वहाँ। जी मैंने अपनी आंखों से देखा था, कल दिन भर वो अपने ऑफिस में ही थे और शाम को उन्होंने चाय भी मंगाई थी। ये छोटू दे आया था। कल सुरेंद्र अरोरा को देखा था? हाँ। कितने बजे निकले थे ऑफिस से? कोई था उनके साथ? पापा जी आप रो क्यों रहे? रेखा पुत्र, वो सुरेंद्र
सुरेंद्र का मर्डर हो गया। मैं और परमजीत पुलिस स्टेशन में हैं। अभी अभी वो सुरेंद्र की लाश को देख के आए हैं। What, मामा? बंटी, तुम्हारे दादू का फोन आया था। तुम्हारे पापा। पापा? He is coming, पापा आ रहे हैं। कब आ रहे हैं मम्मी? बोल लो मम्मी कब आ रहे हैं? बोलो ना। दादी, कल सुरेंद्र तक कोई फोन वोन नहीं आया जी। तो आपने भी नहीं किया? आपका बेटा रात भर घर से बाहर था। वो पहले भी कई बार रात में घर नहीं लौटता था। हम लोगों को आदत हो गई थी। तो कहाँ रहता था रात भर? किसके साथ? क्या करता था? 34 साल का जवान, कामयाब आदमी था हमारा सुरेंद्र। काम से आना जाना होता था उसका। हर बार बताने की जरूरत नहीं थी। और उसकी बीवी रेखा, वो यहीं रहती है? वो न्यूयॉर्क में रहती है। आज की पहली फ्लाइट लेके आ रही है बंटी के साथ। बंटी हमारा पोता। रोज की तरह शटर डाउन किए, गाड़ी में बैठे और निकल लिए। कितने बजे थे? यही कुछ 4:15। PB 10 78H9 सुरेंद्र जी की गाड़ी का नंबर है। कमाल है, याददाश्त तो बहुत तेज है तेरी। अरे मैडम, आप सोचिए ना, अरोरा साहब का ऑफिस सामने ही है और मैं यहीं बैठा रहता हूँ पूरा दिन। 8-10 घंटे तो गाड़ी मेरी नजरों के सामने ही होती है। सुरेंद्र अरोरा अकेले निकले थे ऑफिस से? वो अभी कह रहा था सारी चीजें याद रहती हैं तुझे। हाँ कहा तो था मैडम, लेकिन मैं दूसरी दुकानों पर भी चाय देने जाता हूँ ना, तो हरदम नजर तो रहती नहीं है। हाँ लेकिन जब उन्होंने चाय मंगाई थी कल दुकान बंद करने से थोड़ी देर पहले, तब उनके साथ एक बंदा था। इसकी तो कोई लोड ही नहीं है, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आप चाय पीजिए गर्मा गर्म, फिर निकलते हैं आराम से। हाँ जी, हम सबका अमेरिकन पासपोर्ट है। सुरेंद्र यूएस सिटीजन था। आप सबके पासपोर्ट की एंट्रीज देख के तो ऐसा लगता है कि आप लोग पिछले काफी अरसे से यहीं रह रहे हैं। हम भी कभी कभी आते थे सुरेंद्र के साथ। 5 साल पहले वो यहीं बस गया था। कोई खास वजह? पीछे से हम लोग यहीं किए जी। सुरेंद्र इसके पेट में था जब हम लोग माइग्रेट हो गए थे अमरीका, वहीं पैदा हुआ। यहाँ हमारी पुश्तैनी ज़मीनें हैं बहुत सारी। 5 साल पहले वो यहाँ शिफ्ट हो गया था। तो पिछले 5 साल से सुरेंद्र यहीं लुधियाना में प्रॉपर्टी डीलर बना हुआ था? पहले तो वो हमारी ज़मीनें संभालता था, काफ़ी सारी बेची भी उसने, फिर वो इसी लाइन में आ गया। सुरेंद्र की बॉडी हमें जहाँ मिली वो प्लॉट किसी जितेंद्र कालरा का है। इस जितेंद्र कालरा का आपके बेटे सुरेंद्र से क्या कनेक्शन था? ना जी, हम नहीं जानते किसी जितेंद्र कालरा को। जब तो चाय का कप लेने वापस गया तो वो आदमी तब भी सुरेंद्र के साथ था? हाँ जी, वहीं बैठा था। फैंटास्टिक, मैक्सिमम प्रॉफिट उसी में होगा। गुड चॉइस सर जी। नहीं मैडम, उस आदमी का चेहरा तो देखा ही नहीं, बस चाय दी और कप लेने गया। मैडम, सुरेंद्र पाजी का खाता चलता था हमारे यहाँ। छोटू ठीक से याद कर, शटर डाउन करते वक्त वो आदमी भी था गाड़ी में बैठा? अब ध्यान ही नहीं दिया तो कैसे बताए मैडम। जब तू अंदर गया तो जो आदमी सामने बैठा था उसका कुछ तो दिखाई दिया होगा। अब वहाँ कोई आलिया भट्ट तो बैठी नहीं थी ना मैडम, बंदा था हजारों बंदों जैसा, कौन देखेगा दोबारा तिबारा। बस चाय रखी मेज पर और निकल लिया। हाँ जी, यही है सुरेंद्र की कार का नंबर। बॉडी हमें जहाँ मिली सुरेंद्र की कार हमें वहाँ नहीं मिली। PB 1078H9 शहर की हर मुमकिन सीसीटीवी फुटेज चेक करवाओ, काले रंग की गाड़ी है। कल शाम, रात, आज सुबह के फुटेज चेक करो, स्पेशली वो टोल नाका जो शहर से बाहर को जाते हुए पड़ते हैं। कोई कॉल आया नहीं और कोई कॉल गया नहीं। हाँ जी सर, कॉल लिस्ट में से कल के सारी कॉल्स गायब है, सीधे परसों के कॉल्स दिखा रहे हैं। और फोन को लाश के पास ही छोड़ दिया गया, जाहिर सी बात है फोन में से कल के सारे कॉल डिलीट कर दिए गए हूँ।
और गड्डी भी गायब। सर कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स में से तो कॉल्स गायब नहीं किया जा सकता, डिटेल्स दोपहर तक आ जाएंगे। और CDR में हमारे काम का कोई ना कोई नंबर जरूर होगा। सोनिया ने पता लगाया है सुरेंद्र अरोड़ा को कल शाम को कोई मिलने आया था। फैमिली के पास प्रॉपर्टी बहुत थी लेकिन सुरेंद्र अरोड़ा इकलौता था, तो प्रॉपर्टी के लिए आपसे डिस्प्यूट रूल आउट हुई होगी। केस की चाबी सुरेंद्र अरोड़ा की कार रही होगी जो गायब थी। करेक्ट, उस कार का अनट्रेसेबल होना हमारा सबसे बड़ा सुराग था। हमें लगा उस कार में कुछ होगा। शहर का हर CCTV फुटेज स्कैन हुआ पर वो कार कहीं नहीं दिखी। वो कार जहां भी थी उस कार की लोकेशन हमारी मंजिल थी। और साथ ही सुरेंद्र अरोड़ा के बारे में एक ऐसी बात हमारे नोटिस में आई और हमने मेक श्योर किया वो बात सही निकली। सर जी, सुरेंद्र अरोड़ा का जो प्लॉट है ना वो कबीर इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ता है। क्या ये बात पक्की है सुरजीत कि सुरेंद्र के साथ कोई था? 100% सर जी। सर जी मैंने खुद इस अरोड़ा के सारे जमीनों के चक्कर लगाए हैं। उसका ये जो कबीर इंडस्ट्रियल एरिया वाला जमीन है ना उससे लगकर ही कपड़ों की रेडीमेड फैक्ट्री है सर जी। उसके वॉचमैन ने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो अपने आप से तो बातें नहीं करेंगे ना, मैंने साफ साफ देखा था। वो किसी को कुछ बता रहे थे, प्लॉट की तरफ इशारा कर रहे थे। अरोड़ा साहब अकेले नहीं थे, कोई और पैसेंजर था गाड़ी में। पहचान पाओगे? हुलिया बता पाओगे? रंगीन शीशा ऊपर चढ़ा हुआ था साहब। बोल, गाड़ी के शीशे इतने भी रंगीन नहीं होते कि उसके अंदर कौन बैठा है ये भी ना दिखाई दे। और जैसे तू बता रहा है लग रहा है तेरी नजर कुछ ज्यादा ही खास टिकी थी गाड़ी पर। खास इसलिए थी क्योंकि उस गाड़ी का वहां आना आम था साहब। मुझे मालूम है वो प्लॉट उनका है, वो हर दूसरे दिन आते थे वहां पर, तो मैं उस गाड़ी और अरोड़ा साहब को दूर से भी पहचान लेता। ये कल शाम तकरीबन 5 बजे की बात है? जी साहब। ये सदर बाजार जहाँ पर सुरेंद्र अरोड़ा का ऑफिस है और ये कबीर इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ सुरेंद्र अरोड़ा का अपना प्लॉट है, तकरीबन 6 किलोमीटर सर। और फिर ये रहा बिलानगर जहाँ पर जितेंद्र कालरा का प्लॉट और जहाँ पर हमें सुरेंद्र अरोड़ा की लाश मिली। कबीर इंडस्ट्रियल एरिया से 8 किलोमीटर। तो हुआ ये होगा कि उस शाम को सुरेंद्र अरोड़ा के ऑफिस में जो बंदा कस्टमर बन के आया था सुरेंद्र अरोड़ा उसे लेकर पहले अपने ऑफिस से पहुंचा होगा यहाँ कबीर इंडस्ट्रियल एरिया अपना खुद का प्लॉट दिखाने। फिर यहाँ से वो उसे जितेंद्र कौला का प्लॉट दिखाने गया होगा बिलानगर और जहाँ पर हमें सुरेंद्र अरोड़ा की लाश मिली। हो सकता है सर इस आदमी ने ही सुरेंद्र से पूछा हो कि अगर बिलानगर में कोई प्लॉट हो तो दिखा दो। शायद उसे बिलानगर में ही लाकर मारने का प्लान था। वहाँ लाकर उसका मर्डर कर दिया होगा फिर लाश को डंप करके ये बंदा गड्डी लेके हवा हो गया होगा। लेकिन मेरे गड्डी के लिए इतना ब्रूटल मर्डर आसान नहीं लगता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन सवाल ये भी है कि ये मर्डर हुआ क्यों होगा? सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। अब तुसी किस तरफ जा रहे हो? तुहानू कित्थे जाना है सर जी? जाना ना उधर चले जाएंगे। इधर तक ही। कौन है तू? छड मेरे अपने होटल में ताला लगा ले वरना कट दवांगे। चुप ओए ए अरे मेरी गाड़ी लेके भाग रहे। कोई है गाड़ी लेके भाग रहे मेरी? वो कमीने मेरी गाड़ी लेके भाग रहे। वो चाबी नहीं यार गाड़ी की। नीचे देख, नीचे देख। ओ, पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो।
ओए, 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 कोई बीच में ना ओए, ओए बीच में ना पड़ो काट देंगा, ओए दूर, दूर है, दूर, दूर है, मार देंगा मैं बोल रहा। नवंबर 2015 की बात थी, 6 महीने पहले, एक बंदा था हरदेव खोसला और दूसरा बंदा था अजित मलिक। ट्रायल अभी भी चल रहा है? यस सर, पर ये अजीत और हरदेव दोनों बेल पर बाहर है और ये सुरेंद्र अरोरा इस केस को बराबर फॉलो अप कर रहा था। 6 महीने पहले कार चोरी का अटेम्प्ट जो नाकाम हुआ, दोनों पकड़े गए सर। ऐसा तो नहीं इन दोनों ने सुरेंद्र अरोड़ा से कोई बदला लिया, मतलब इस बार सिर्फ कार ही नहीं चुराई बल्कि सुरेंद्र अरोड़ा को ही खत्म कर दिया। पर कार के लिए मर्डर हमने बहुत ही रेयर केसेस में देखा, कुछ तो खास रहा होगा उस कार में। सोनिया, सुरेंद्र के माँ बाप से पता करो कि सुरेंद्र ने यह कार कहाँ से खरीदी थी और कब खरीदी थी। RTO से पूरी डिटेल निकलवाओ और मेरा सुरेंद्र के कॉल रिकॉर्ड आते ही पूरे 1 साल के कॉल रिकॉर्ड स्कैन करवाओ। एक और बंटी कल सुबह दिल्ली लैंड करेंगे, वहां से उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट है। हरजीत जी, सुरेंद्र की कार PB1078H9, उसने कब और कहां से खरीदी थी? हम लोग साल में 2 बार यहां पे आते हैं, उसी बीच सुरेंद्र ने कभी खरीदी होगी, अब ज्यादा डिटेल तो उनको पता नहीं। आप साल में 2 बार यहाँ आते हैं, कितने महीनों के लिए? कुछ फिक्स नहीं होता जी, इस बार लंबा रुक गए हम लोग यहाँ पे, 4 महीने हो गए। सुरेंद्र की बीवी रेखा और बेटा बंटी वो नहीं आते थे? आते हैं, जब बंटी की समर वेकेशन होती है तो आते हैं। उसके बाद हम सब लोग इकट्ठे अमेरिका चले जाते हैं। देखिए वो कार हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या करें मैडम जी, नहीं मालूम तो नहीं मालूम, वैसे भी पिछले 5 साल से ऑलमोस्ट वो यहीं पे रहने लगा था, कभी बीच में एक आध बार अमरीका आया होगा, और वैसे भी 5 साल में हमारे बीच कामकाज की बातचीत होनी बंद हो गई थी। PB1078H9, इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डिटेल चाहिए मुझे, नाना जी अभी चाहिए, टॉप प्रायोरिटी पर। गड्डी कितने है? किस गड्डी थी कल कर रही हो तुसी? अरे वही गड्डी जो पहली दफा चुराते हुए पकड़ा गया था, तो सुरेंद्र अरोड़ा की गड्डी याद आया? ओ जी मैं नहीं जानता किसी सुरेंद्र अरोड़ा ने। ओ तेरी ओ बड़ी खराब यादाश्त हो गई तेरी, हां ओ 6 महीना पहले की कालू करतूत याद नहीं आ रही तेनू? कोई नहीं, ओ हमारे लोकअप में ना हर मर्ज की दवा है, वो याद दिलाने के लिए ना पूरा ऑपरेशन टेबल है। RTO से गाड़ी की डिटेल्स आ गई हैं। सुरेंद्र अरोड़ा ने ये गाड़ी 2012 में खरीदी थी, फर्स्ट हैंड शोरूम से। फिर इस गाड़ी में ऐसा क्या था? तो ऑपरेशन शुरू करूं या बिना ऑपरेशन के सच बताओगे? सर जी साढ़ा तो केस चल रहा है, सुरेंद्र अरोड़ा को मारकर हम खुद अपने गले पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? ऑपरेशन तो दूर, अभी तक तो इंजेक्शन भी नहीं लगा, सब कुछ याद आ गया। 20 मिनट पहले तो मैं सुरेंद्र अरोड़ा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सर जी हवलदार साहब ने पूछा ना तो एकदम से मुंह से निकल गया जी। ये है ना, ये अगर मेरे हाथ से निकल गया ना तो तुम दोनों की मौत इसी ऑपरेशन टेबल पे हो जाएगी। अभी तो तुम्हारी सांसें चल रही हैं, लेकिन अगले 3 मिनट में मेरे 3 सवालों का जवाब नहीं दिया तो फिर देख लेना तुम लोग। पहला सवाल, उस शाम सुरेंद्र अरोड़ा से मिलने कौन गया था? दूसरा सवाल, तुम लोगों ने सुरेंद्र अरोड़ा को क्यों मारा? और सवाल नंबर 3, सुरेंद्र अरोड़ा की गड्डी कहाँ है? सीधे गाड़ियाँ के पार्ट चुराने वाले बहुत छोटे मोटे लोग हैं जी, मर्डर शर्डर के बारे में सोच भी नहीं सकते, असी तो पूरी गड्डी भी नहीं चुराते जी। वो तो 6 महीने पहले पता नहीं किस पागल कुत्ते ने काटा हमें, जो हमने ट्राई किया और बुरे फंसे, केस ठुक गया जी। और यकीन करो सर जी, कोर्ट में हाजिर होने से पहले तो हमें पता भी नहीं था कि हमने सुरेंद्र अरोड़ा की गड्डी पर ट्राई मारा था। जिस पागल कुत्ते ने तुम दोनों को यह कहा ना कि जाओ सुरेंद्र अरोड़ा का मर्डर कर दो और उसकी गड्डी लेके फरार हो जाओ, मुझे उस पागल कुत्ते का नाम चाहिए अभी के अभी। सर जी कोई नहीं है सर, हम दोनों का ही ग्रुप है जी। सर सर यकीन करो सर जी, हम लोग सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं करनी जी और चोरी वोरी नहीं करनी। लगता है तुम लोग बिना ऑपरेशन के नहीं मानोगे। पंकज ऑपरेशन की तैयारी करो, पहलवान सिंह को बुलाओ, बोलो इन दोनों का गड्डी की तरह एक एक पुर्जा अलग कर दे, और जब इंजन खोलने की बारी आ जाएगी ना तब मैं आ जाऊंगा। सर जी
फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से 22 अप्रैल को सुरेंद्र अरोड़ा ने ना तो किसी को फोन किया और ना ही उसे किसी का फोन आया। और सर वो एक आदमी वो सुरेंद्र अरोड़ा से जरूर मिला था और शायद वही अरोड़ा के साथ उसी की गाड़ी में प्लॉट देखने भी गया था। 6 महीने पहले जब चाकू की नोक पे सुरेंद्र अरोड़ा की गड्डी चुराने की कोशिश की गई तो बंदे की प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो, चाबी निकाल ली गड्डी की, खूब हल्ला मचाया, शोर मचाया, जिसके चलते ये दोनों कार चोर पकड़े गए और बाद में सुरेंद्र अरोड़ा इन दोनों के खिलाफ पूरे जोश से केस लड़ता रहा। लेकिन इस बार जब कार चोरी हुई, सुरेंद्र अरोड़ा का कत्ल हुआ, बंदा कोई शोर नहीं मचाता। सर भिलनगर का वो प्लॉट जहाँ बॉडी मिली हमें काफी सुनसान इलाका है। पर मेरा ये बात भी तो अभी क्लियर नहीं है कि मर्डर वहीं किया गया या कत्ल के बाद बॉडी को वहां लाकर डंप किया गया। सुरेंद्र अरोड़ा के कॉल रिकॉर्ड्स की लोकेशन से हमें पता चलता है कि वो अपने सदर बाजार वाले ऑफिस से कबीर इंडस्ट्री स्ट्रीट गया और उसके बाद भिलनगर। सर शायद सुरेंद्र अरोड़ा ने एक्सपेक्ट ही ना किया हो कि उसके मर्डर की प्लानिंग की जा रही है और शायद भिलनगर के इस सुनसान प्लॉट पे कोई पहले से ही रेडी बैठा था जिस पर ये अरोड़ा रिएक्ट ही नहीं कर पाया। अगर ऐसा था तो उस शाम को सुरेंद्र अरोड़ा के ऑफिस में जो बंदा क्लाइंट बनकर आया था उसे ये पहले से पता होना चाहिए था कि सुरेंद्र अरोड़ा को पता है कि भिलनगर में एक प्लॉट सेल के लिए है जितेंद्र कालरा का, जिसके बहाने वो सुरेंद्र अरोड़ा को भिलनगर लेकर गया। सर सुरेंद्र अरोड़ा को उस प्लॉट के बारे में पता था, जितेंद्र कालरा ने हमें खुद बताया। 1 साल पहले मैंने वो जमीन बेचनी थी तब मैंने सुरेंद्र को फोन किया था। तो क्या कोई पार्टी लेके आया था सुरेंद्र अरोड़ा इस जमीन की डील के लिए? नहीं मैडम, देखिए सुरेंद्र अरोड़ा कोई छोटे मोटे ब्रोकर टाइप का बंदा तो था नहीं, उसकी अपनी बेशुमार दौलत थी, करोड़ों की जमीन है, एकदम खानदानी। मैंने उन्हें इसलिए कहा था कि उनके बड़े अच्छे तगड़े लोगों से कॉन्टैक्ट थे, मुझे लगा कि मुझे भी कोई अच्छी पार्टी मिल जाएगी। ये जो बंदा उस शाम को सुरेंद्र अरोड़ा के ऑफिस में आया था ये पूरी प्लानिंग के साथ आया होगा, जानबूझकर बिना फोन किए। अब सवाल यह है कि यह बंदा खुद अचानक अरोड़ा के ऑफिस आया था या ऐसे किसी ने भेजा होगा। सर इस प्लेन का मकसद कत्ल था ये तो पक्का है और ये भी पक्का है कि इस कार का कोई ना कोई एंगल जरूर है, लेकिन कत्ल का मोटिव अभी तक हमारे सामने क्लियर नहीं है सर, और ना इस बारे में कोई प्रोग्रेस हुई। उसकी वाइफ कल लैंड कर रही है, शायद उससे कुछ पता चले। वैसे उसके माँ बाप का तो यही कहना है कि उन्हें सुरेंद्र के दोस्तों के बारे में ज्यादा पता नहीं और उसके फोन रिकॉर्ड्स में भी ऐसा कुछ नहीं मिला। सर अमेरिका में उसकी वाइफ रेखा और यहाँ उसके पेरेंट्स के नंबर्स के अलावा एक नंबर ऐसा है जिसका काफी टू एंड फ्रो ट्रैफिक रहा है कॉल्स का, उस नंबर की डिटेल्स मंगाई है मैंने, हो सकता है कि कोई एंगल निकला है। माँ बाप के हिसाब से ये बंदा रात रात भर बाहर रहता था तो कहीं तो रहता होगा, किसी के साथ तो रहता होगा, और वैसे भी 5 साल से इंडिया में रह रहा है, अमेरिका से दूर, अपने बीवी बच्चों से दूर, और लैंड डीलिंग भी अपने शौक के हिसाब से करता था। मेरा कहीं इस बंदे का कोई और शौक तो नहीं था। हाँ जी रजनीश के, हाँ जी बोल रहा हूँ जी, पुलिस। हाँ जी दसो जी। अब ये तो तू कहना ही मत कि सुरेंद्र को तू जानता नहीं है। मैं ऐसे क्यों कहूँगा जनाब, बल्कि मुझे तो ये बात सुन के बहुत बड़ा धक्का लगा जी कि इतने बड़े बंदे का किसने मर्डर कर दिया। इस बड़े आदमी की काफी छोटी छोटी बातें जानता है तू? ऐसी तो कोई बात नहीं है जनाब। अच्छा, बातें तो सबसे ज्यादा तेरे साथ होती थी, अपने माँ बाप और US में अपनी पत्नी के बाद अगर उसने किसी के साथ बात की है तो वो तू है रजनीश। वो तो बस दोस्ती खाते में होती थी जनाब। भिलनगर थाने में हाजिर हो जा, तेरे और सुरेंद्र की दोस्ती के इस खाते का थोड़ा हिसाब किताब चेक करना है मुझे। उतर, अंतिम संस्कार कल होगा। बंटी को बहुत मुश्किल से समझाया, पूरी फ्लाइट में रो रहा था, ना खाना खाया ना पानी पिया, बस रो रहा था। पापा जी ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हमें लगा रोज की तरह सवेरे वापस लौट आएगा, नहीं आया। फोन आ गया पुलिस का। ऐसा क्या था इंडिया में
जो मेरे लाख कहने पर भी सुरेंद्र न्यूयॉर्क आना ही नहीं चाहते थे। हमने कम बार उसको कहा कि भाई लौट चलते हैं न्यूयॉर्क, सब कुछ वही है, हमारा वही हमारा घर है। पर दोस्ती का ऐसे है जी कि आज से 3 साल पहले सुरेंद्र पाजी ने मेरे को गोदाम किराए पे दिलवाया था जी। मेरा फर्टिलाइजर का बिजनेस है जी, तो बस वहीं पे होगी जी दोस्ती। 19 अप्रैल को आखिरी बार तेरी बात हुई थी ना सुरेंद्र अरोड़ा से? हाँ जी जनाब, हमारा वो पीने का प्लान बन रहा था जी। चीयर्स पाजी, आज ना दबा के शराब पीनी है जी, और ये पटियाला पैग नहीं लगाने, प्योर पंजाबी मोटे वाले पैग लगाने हैं जी। अब पाजी वैसे भी 3 हफ्ते बाद तो आपकी फैमिली ने आ जाना है, और फिर तो आपके दर्शन दुर्लभ हो जाने हैं जी। पीछो यार, बहुत टेंशन है। बंटी और रेखा दोनों चाहते हैं कि मैं न्यूयॉर्क वापस लौट जाऊँ उनके पास, स्पेशली बंटी। Where is the man that kid I tell you? पाजी वैसे रब भी कितनी पार्शियलिटी करता नहीं, मतलब यहाँ हर दूसरा बंदा ओवरसीज जाने के लिए अपना खून जला रहा है, और एक आप हो अपने दो दो मोटल छोड़ के यहाँ प्रॉपर्टी का धंधा कर रहे हो जी। पाजी आप तो जन्नत छोड़ के आ गए हो वहाँ पे। ओ पाई, तेनू किन्ने कहा कि यहाँ जन्नत नहीं है? किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई जान की धमकी? नहीं नहीं जनाब, सुरेंद्र पाजी आपके और मेरे जैसे बड़े डिसेंट टाइप के बंदे थे जी। सुरेंद्र की गड्डी अभी भी गायब है, PB 1078H9। हाँ जी वो सेडान। हाँ काफ़ी ढूंढी हमने पर हमें मिली नहीं, ऐसा क्या स्पेशल उस गड्डी में? गड्डी में स्पेशल जी जनाब, गड्डी तो गड्डी है जी, लेकिन 6 महीने पहले उसी गड्डी को चुराने की कोशिश की गई थी। हाँ जी बंदे पकड़े भी गए थे। कौन है वो लोग जो इस गड्डी के पीछे पड़े, और ये गड्डी किस चीज़ में इस्तेमाल होती थी? सुरेंद्र का किस गलत काम में इन्वॉल्वमेंट था बोल। जनाब रुकिए जी, मैं एक बात बता दूंगी आपको कि सुरेंद्र पाजी और मेरी दोस्ती खास वाली कम और शराब पीने वाली ज़्यादा थी जी, इसलिए हम लोग शराब पी के बस बकवास ही किया करते थे जी, काम की बात जनाब कभी उठी नहीं जी। शराब पीने के बाद क्या होता है ये हम दोनों जानते हैं, सब कुछ उड़ जाता है, सारे पर्दे गड़े मुर्दे, यहाँ तक कि छुपे हुए रिश्ते भी। रजनीश, एक आदमी US सिटीजन जिसके बीवी बच्चे माँ बाप सब वहाँ पर है, उसका सेट बिजनेस वहाँ पर है, लेकिन फिर भी पिछले 5 साल से वो यहाँ पर है लुधियाने में। कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं कर रहा है वो, केवल कुछ सैनी जमीन ही संभाल रहे, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। अब तू मुझे ये बता वो औरत कौन थी, उसकी जन्नत? अभी इस वक्त तो मेरे दिमाग में कुछ बात नहीं आ रही जी, अगर जहन में कुछ आया तो मैं आपको फोन कर दूंगी। तू याद करने के लिए मुझसे वक्त मांग रहा है या सोचकर जवाब देने के लिए? जनाब याद करने के लिए। अभी क्या खास था उस गड्डी में? मैनू की बता भाई, 6 महीने पहले तेरी मत मारी गई थी जो उस गड्डी को उठाने के बारे में सोचा तूने। ओ भाई दोनों ने मिलकर सोची थी, पर लेकिन गड्डी सिलेक्ट तो तूने की थी, वही गड्डी क्यों सिलेक्ट की तूने? तेरे से किसी ने कहा था कि वही और सिर्फ वही गड्डी सिलेक्ट करनी है? ओ भूतनी के चरस फूकनी शुरू कर दी तूने, हाँ दिमाग खराब हो रहा था? ओ भाई तो फिर क्यों पुलिस बार बार पूछ रही है कि क्या खास था उस गड्डी में, और ये भी कह रही कि उस बंदे का मर्डर उस गड्डी की वजह से हुआ है, मतलब कुछ तो होगा ना? और यार जो भी पता है सच बोल दे यार। अरे मेरी बला से जो मर्जी हो, मैं की करूं नाचूं? यार मैं सिर्फ इतना कह रहा कि जो भी पता है सच सच बोल दी जीते, वरना पुलिस वालों ने इतना कुटना है कि नाचना तो थोड़ा सी चलना फिरना भी भूल जाएंगे। कैसी लगी बाजी? सोनी है जी, मैनू पसंद है। ओ गड्डी नाम दे वास्ते सेकंड हैंड है जी, चलदी एकदम मक्खन जैसी स्मूथ है। किधे बैठ कर डन कर लेते हैं? ले लो फिर जी। वो हमारी बात सुनते ही कहाँ थे, बंटी के कहने पर भी वो न्यूयॉर्क लौट के आने ही नहीं चाहते थे। रेखा जी, उस कार में ऐसा क्या खास था? कार में? What do you mean? आपके हस्बैंड की कार, ये मिसिंग है। रेखा जी हमें शक है कि उस कार में कुछ तो खास था, या फिर उस कार का इस्तेमाल कुछ ऐसे कामों के लिए हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। I'm sorry. आप क्या कहना चाहते हैं?
मैं कुछ समझी नहीं। रेखा जी, आपके पति सुरेंद्र अरोड़ा को यहाँ क्या रोक रहा था या कौन रोक रहा था? जिस बात का शक आपको हुआ है उस बात का शक मुझे भी हुआ था। ओके फाइन सुरेंद्र, मैं तो समझती हूँ, लेकिन तुम अपने ये रीजंस बंटी को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? हाँ बट लिसन टू मी, तुम और बंटी दोनों आ रहे हो ना यहाँ पर समर ब्रेक में। हाँ लेकिन सुरेंद्र तुम तो नहीं आ रहे हो ना, तुम हमेशा बंटी को प्रॉमिस करते हो फिर प्रॉमिस तोड़ देते हो। तुम्हें पता है मम्मी जी पापा जी हम सब वे फेड अप ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस। रेखा मैं तब आऊँगा जब मैं फील करूँगा मुझे आना है, ओके? और रही बात बंटी की, जस्ट टेल हिम कि पापा आ जाएंगे। तुम हमेशा इस फीलिंग के बारे में बात करते हो, क्या फीलिंग है ये? ऐसा क्या है इंडिया में जिसने तुम्हें हम सबसे दूर कर दिया है? रेखा मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, आई विल टॉक टू यू लेटर, बाय। तो यहाँ किसके लिए फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग हो गई थी जो आपके लिए फील करना भूल गया था? मैं नहीं जानती और जानने का कोई जरिया भी नहीं था। बट कोई थी राइट? मुझे सिर्फ शक था और अब तो वो भी मैटर नहीं करता। जब सुरेंद्र ही नहीं रहा तो मैं शक करके क्या करूंगी? सुरेंद्र के फोन रिकॉर्ड से तो कुछ नहीं मिला सर। सर इतना बड़ा सक्सेसफुल आदमी, मल्टीपल फोन्स होने के पूरे चांसेस हैं। अगर कोई दूसरा फोन था तो वो फोन भी सुरेंद्र की कार की तरह गायब है। लेकिन सर ना तो उसके पेरेंट्स के पास और ना ही उसकी वाइफ के पास इस दूसरे फोन का नंबर है। मेरा ये दूसरा फोन नंबर तो उनके पास तब होता ना अगर सुरेंद्र ने ये नंबर उन्हें कभी दिया होता। सर मैंने इस नंबर के पिछले एक साल के कॉल रिकॉर्ड्स रिक्वेस्ट किए, आते होंगे। हो सकता है कि उन कॉल रिकॉर्ड्स में इस दूसरे सीक्रेट फोन का कोई सुराग सामने आए। मम्मी जी पापा जी आप दोनों भी साथ चलते तो अच्छा रहता। आ जाएंगे पुत्र, तो यहाँ बस खाली पन ही बचा है। वो बहुत से कम से मिटने बाकी है ना, तू चिंता मत कर, हम बाद में आ जाएंगे। जल्दी आइएगा। जीते रहो जीते रहो। जीते रहो। हाँ जी रजनीश गिल साहब, याद आया कुछ? कोई और नंबर था सुरेंद्र का? जनाब दूसरा नंबर तो नहीं पर एक दूसरी वाली की याद आई है जी। अभी मिलो। मैं 100% तो नहीं कह सकता जी, लेकिन एक बार की बात है जी। बोलो क्या बात है? वो ड्रिंक्स के बीचों बीच एक अलग तरह की तलब लगी जी, तो मैंने ही बात छेड़ी। भाजी जेके क्लब के बारे में सुना आपने? मैंने सुना कमाल की बंदियां बैठती हैं जी वहाँ, सब कुछ अरेंज हो जाता है जी, टॉप क्लास। देखो पाजी मना मत करना जी, देखो मैं ठहरा बैचलर बंदा जी और आप लॉन्ग डिस्टेंस शादीशुदा बंदे, आजकल तो बैचलर ही हो तो चलेंगे। गिलास हो या फिर कुड़ी, जब तलब लगे तब मिलनी चाहिए, वो भी खास एक्सक्लूसिव, और हम इस मामले में सेट हैं बॉस। ना कभी मैं खाना ढूंढने की जरूरत पड़ती है और ना ही गोरी का मकान, अपना एक ठिकाना यहाँ है तो एक ठिकाना वहाँ, और हम तो वाकई इंटरनेशनल हैं। कमाल की बात है पाजी, आप तो छुपे रुस्तम निकले हैं जी। कौन है यहाँ का ठिकाना? है एक डॉक्टर और मेरी तरह लॉन्ग डिस्टेंस शादी में है और हस्बैंड कहीं जंगल में पोस्टेड है। कैसी है? दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। ओके पर है कौन पाजी? यार मेरी तरह है, लोनली है, अकेली है, पर कोई चीपनेस नहीं है यार, दिल का मामला है, यू नो सोल टू सोल कनेक्शन। सच कहूँ तो मेरे को तो कोई दिल विल का मामला नहीं लगता जी। नहीं मेरा मतलब है सुरेंद्र पाजी ऐसे रोमांटिक टाइप के बंदे थे ही नहीं जी, ये तो आप लोग बार बार पूछ रहे थे तो ये एक बात याद आ गई जी। पर नाम नहीं बताया सुरेंद्र ने? डॉक्टर, हस्बैंड जंगल में पोस्टेड। डॉक्टर जी? डॉक्टर आई एम सॉरी लेकिन मुझे इस बारे में कुछ याद नहीं है। सुरेंद्र वॉज अ हेल्दी मैन, उसे डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं थी। और आप कह रही हैं कि
उनका किसी डॉक्टर के साथ कुछ? फ्रैंकली मुझे जानने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। नाज, हमको तो कुछ नहीं पता। कोई डॉक्टर दोस्त थे सुरेंद्र की, जिसके पास सुरेंद्र अपनी किसी भी बीमारी का इलाज करवा रहा था? कोई हेल्थ प्रॉब्लम कभी पिछले 5 साल में उसे? कोई बुखार बुखार, कोई एलर्जी, बीपी या फिर कोई रेगुलर चेकअप, कुछ भी? खोदना शुरू कर दे सुरजीत। लेडी डॉक्टर अपने लुधियाने की, उसका पति किसी जंगल में पोस्टेड है। सर जी, जंगल की पोस्टिंग का मतलब है या तो CRPF में होगा या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। सर जी, अपने लुधियाना में सैकड़ों लेडी डॉक्टर होंगी, सरकारी प्राइवेट, ऊपर से हर सड़क पर एक क्लिनिक है, वो अलग। पर उनमें से ऐसी कितनी होंगी जिनके पति की पोस्टिंग जंगल में है? हाँ, वो भी तो है सर जी। वही है, जान लड़ा दे। कैसी बात करती है मैडम, अब किसी लेडी के शक्ल पे थोड़ा लिखा होगा कि वो लेडी डॉक्टर है। हाँ, पर कोई मिलने आती थी क्या? अब उतने भी वेले नहीं है ना मैडम कि हर बंदे या बंदी पर नजर रखे। अब जो रोज दिख जाता वही याद रहता है। क्यों, तो तेरे जबान तेरे काबू में नहीं रहती? क्यों? ना ना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं जुबान में ताला लगा लूंगा। अरे कितों ताला ढूंढता फिरेगा, तेरे मुंह में लोहा भर देता हूं, ते खुलने का कोई चांस ही नहीं। सर, सुरजीत और उसके खबरियों की टोली लगी तो है फुल फोर्स में, लेकिन एक लेडी डॉक्टर जिसके हस्बैंड की पोस्टिंग जंगल में, काफी फैली रिक्वायरमेंट है सर। सर, सुरेंद्र अरोड़ा के ऑफिस में भी किसी औरत के आने जाने की खबर नहीं मिल रही। ये जो रजनीश गिल है, इसने सिर्फ एक तुक्का मारा है। अब ये तुक्का सही है या हमें गुमराह करने वाला? सर, 99% सुरेंद्र को ये लेडी डॉक्टर इलाज के दौरान मिली होगी, कोई रूटीन चेकअप। लेकिन अगर उसे कोई सीरियस बीमारी होती तो उसके पेरेंट्स को या उसकी वाइफ रेखा को जरूर पता होता सर। मेरा जरूरी नहीं, क्योंकि सुरेंद्र अरोड़ा की बहुत सी सीरियस बातें उसके माँ बाप को या उसकी वाइफ को नहीं पता थी। फॉर एग्जाम्पल, उसके काम के बारे में, उसके इंडिया में रहने की जिद के बारे में, हमें इन तीनों से क्या मिला, क्या लीड्स मिली? जीरो। सर, एक बार घर की तलाशी ले लेते हैं, हो सकता है हमें वहीं से कुछ मिल जाए। मेडिकल रिपोर्ट तलाश कर रहे ने। किस वास्ते? सुरेंद्र नु की मारी सी? मैनू की पता। अरजीत जी, परमजीत जी, आपके बेटे सुरेंद्र को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। माइग्रेन? उसने हमको तो कभी नहीं बताया जी। पर हमने उसको कभी तकलीफ में नहीं देखा। पर मेडिकल रिपोर्ट तो यही कह रही है कि पिछले 3 साल से उसका माइग्रेन का इलाज चल रहा था। नेक्स्ट टू सेक। अब बिल्कुल सही पकड़े हैं सर जी, ये डॉक्टर नुपुर बंसल का हस्बैंड फॉरेस्ट ऑफिसर राकेश बंसल है, अभी देहरादून के जंगलों में पोस्टेड है। जी, सुरेंद्र अरोड़ा मेरे पेशेंट थे। जी जी, माइग्रेन की शिकायत थी। डॉक्टर बंसल, आई एम श्योर आप जानती ही होंगी, सुरेंद्र अरोड़ा का मर्डर हो गया 1 महीना पहले। जी जानती हूँ इंस्पेक्टर,
पेपर में पढ़ा था। आप सुरेंद्र को काफी करीब से जानती थी? एज अ पेशेंट यस। अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स होती थी? वो कॉल करता था? नो ऑफिसर, रेगुलर पेशेंट के लिए एक डे फिक्स होता है और टाइम मेरी सेक्रेटरी अलॉट करती है। डॉक्टर बंसल, हमें आपसे बात करनी है फेस टू फेस। किस बारे में? जिस बारे में फोन किया, सुरेंद्र अरोड़ा। ऑफिसर, मैं जितना जानती थी उतना बता चुके हैं आपको, बट हमें और जानना है। डॉक्टर बंसल, डॉक्टर बंसल आप लाइन पे हैं? जी सॉरी, मैं वो अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट चेक कर रही थी कि मैं आपसे कब मिल सकती हूँ। डॉक्टर, हमें अभी मिलना है। देखिए ऑफिसर, बाहर पेशेंट्स की कतार लगी हुई है, लोग दूर दूर से आते हैं, सीरियस इश्यूज हैं उनके। मैं कल या परसों में मिल सकती हूँ आपको। कॉन्फिडेंट बनने की फुल कोशिश हो रही है। मेरा सोनिया, इस एंगल से कुछ मिल सकता है। सबसे पहले डॉक्टर नूपुर के कॉलिंग को एक्सटेंड करते हैं सर, जहां पर भी शक हो उस एंगल को रेडी करते हैं। बिल्कुल, जैसे ही कुछ मिलेगा क्लिनिक से उठा लेंगे। जरा डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं। और वो कार उस एंगल से स्पॉटलाइट अब लव अफेयर पर आ गया था। शायद रजनीश ने स्पॉटलाइट खुद ही चेंज किया था, इस कार से फोकस हटाने के लिए इस डॉक्टर वाले एंगल को उठाया था। क्या वो खेल रहा था? केस के इस पॉइंट पर सब कुछ अंधेरे में था, सिवाय इस बात के कि सुरेंद्र अरोड़ा का ब्रूटल मर्डर किया गया था। कार वाला एंगल क्या था, अफेयर वाला एंगल क्या था, मर्डर का मोटिव क्या रहा होगा, ये सब कुछ क्रैक होना अभी बाकी था। और आखिरकार क्रैक हुआ। पैसा इन्वॉल्व था, किराए के लोग इन्वॉल्व थे, और ये सब कुछ तब रोशनी में आया जब हम हर उस लीड के पीछे हाथ धोकर पड़ गए जिस पर शक का साया गुजरा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।